वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में शानदार शतक बनाने वाले ओपनर शिखर धवन अंगूठे में चोट के चलते 3 हफ्ते के लिए क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। धवन के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। अब टीम के सामने चुनौती यह होगी कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी किस बल्लेबाज को दी जाए। इससे टीम इंडिया का विजयी संयोजन भी बिगड़ सकता है। टीम इंडिया में अब शिखर धवन की जगह ऋषभ पंत भी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पंत रिजर्व खिलाड़ी में शामिल है। पंत इसलिए भी कप्तान विराट के पसंद हो सकते हैं क्योंकि पंत आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनका हालिया प्रदर्शन भी शानदार रहा है। वैसे भी वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में पंत के ना होने पर देश विदेश के पूर्व क्रिकेटरों ने इसकी आलोचना की थी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती धवन के विकल्प को लेकर है। यूं तो टीम के पास केएल राहुल और दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाज हैं। केएल राहुल फिलहाल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वह बतौर ओपनर टीम के लिए मैदान में उतरते रहे हैं। वहीं दिनेश कार्तिक रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर टीम के साथ मौजूद हैं। ऐसे में वह भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान शिखर धवन को बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। धवन को तेज गेंदबाज नाथन क्लूटर नायल की उछाल लेती गेंद से चोट लग गई थी। हालांकि वह दर्द के बावजूद बैटिंग करते रहे। चोट ज्यादा गंभीर ना हो जाए इसके लिए धवन फील्डिंग के मैदान में नहीं उतरे। उनकी जगह रविंद्र जडेजा ने फील्डिंग की थी। बाईस वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, अ प्लेस टू इमेजिन, इन्वेंट एंड इंस्पायर। NSIT, अम्हारा बेटा, पटना।